कुमार, जेडीयू के अंदर खाने में भारी कंफ्यूजन है। संसद में पार्टी सीएबी का समर्थन करती है और पार्टी के नेता बाहर उसका विरोध करते हैं। सांसद प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानते और सीएम प्रशांत किशोर को सांसदों की बात को ना सुनने की सलाह देते हैं। प्रशांत किशोर अपने स्टैंड पर कायम है और अब उन्होंने एनआरसी की तुलना नोटबंदी से की है। इससे पहले वे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके स्टैंड में बदलाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई मुलाकात के बाद आया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार गारंटी लेते हैं कि वो फिर से पलटी नहीं मारेंगे? सवाल विपक्ष पूछ रहा है। हम लोग जस्टिस चाहते हैं और सीएबी बिल का मुखालफत करते हैं। सीएए के बाद अब एनआरसी की सियासत। पीके ने सीएए के साथ एनआरसी का किया विरोध। सीएए और एनआरसी को लेकर फंस गई है जेडीयू, बिल्कुल फंस गई है। जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, पूरे देश में एनआरसी लागू करने का विचार नागरिकता के मामले में नोटबंदी के समान है। ये तब तक अवैध है जब तक कि आप इसे साबित नहीं करते। उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब और हाशिए पर रह रहे लोग होंगे। हम अपने अनुभव से ये सब जानते हैं। तो क्या नीतीश के सहमति पर प्रशांत किशोर का नया बयान आया है? अगर आया है तो क्या बीजेपी इससे वाकिफ है? सीएम साहब से बात हो गई, जो भी बात मुझे उनको बतानी थी मैंने उनको बताया। एनआरसी पर भी कोई बातचीत हुई क्या? एनआरसी पर भी जो पार्टी का स्टांस है, नीतीश जी ने पहले भी कहा हुआ है वो एनआरसी। देश के तमाम राज्यों में होगा, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, और अपने नेताओं का भाषण सुन ले, राहुल गांधी अपनी दादी का भाषण सुन ले। बीजेपी की मंशा साफ, वो पूरे देश में एनआरसी लागू करने वाली। अमित शाह बार बार कह चुके हैं, तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक सीएबी का नीतीश विरोध करते थे, लेकिन फिर सीएबी के साथ खड़े हो। जब नीतीश कुमार ने खुद अपने मुंह से 370 पर कहा था मेरा स्टैंड बीजेपी से अलग होगा, ट्रिपल तलाक पे कहा था अलग होगा, कैप पर कहा था अलग होगा, लेकिन हुआ क्या? बिहार के लोगों ने देखा कि जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी हो गई पार्लियामेंट के अंदर। तो अब उसी नीतीश जी के हवाले से अगर पीके कोई बयान दे रहे, इसका क्या मतलब है? एनआरसी इस प्रदेश में लागू नहीं होगा, ये माननीय नेता ने पहले कह दिया है। इसलिए किसी भी बिहार के अल्पसंख्यकों भाइयों को चिंतित और जिसको बोलते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं। जेडीयू लाख भरोसा दिला दे कि वो एनआरसी के खिलाफ में है, लेकिन उनके दावे पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा है। और नीतीश जी का जो चेहरा था कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते, उसके ठीक उल्टा जाके उन्होंने मदद किया, तो इसे साफ चेहरा नीतीश कुमार जी का दिखता है। सौ चूहा खा के बिल्ली चले हज करने, और फिर प्रशांत किशोर जी जब मिलते हैं तो मैं बधाई दूंगा प्रशांत किशोर जी। गांधी और गोडसे एक साथ नहीं चल सकता, गांधी और गोलकर एक साथ नहीं चल सकता। गांधी है तो गोडसे नहीं होगा, और गोडसे की धारा होगी तो गांधी नहीं होगा। सीएए और एनआरसी को लेकर जेडीयू फंस गई है। जेडीयू के स्टैंड को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। संभव है इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़े। यही वजह है कि नीतीश कुमार दो नाव की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ सांसद सीएए के साथ खड़े हैं और नेता विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से स्वप्निल के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया। प्रशांत किशोर को सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिया है कि वह एनआरसी के विरोध में है। इसके बाद जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया कि जेडीयू एनआरसी का विरोध करेगी, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जेडीयू पहले की तरह इस बार भी बीजेपी का ही समर्थन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एनआरसी के मुद्दे पर जेडीयू से बात हो रही है और उन्होंने उम्मीद है उन्हें जैसा पहले भी समर्थन मिलता रहा है वैसे ही एनआरसी के मुद्दे पर भी जेडीयू का समर्थन मिलेगा। बिहार
बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साथ में सरकार है, हमारे साथ में सरकार है, पर बहुत सारे मुद्दों पर, जैसे ट्रिपल तलाक के भी मुद्दे पर हम अलग थे, सीएबी के मुद्दे पर साथ थे, तो हम लोगों की आपसी सहमति बनती है और जो सहमति बनती है उस हिसाब से हम लोग एक कॉमन मिनिमम पे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, पर दोनों अलग 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 दोनों दल हैं और दोनों दल के अपने अपने विचार हैं, जिसका जो विचार है वो अपना जाहिर करता है। अभी सीएबी पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है उसी की बात करना उचित। सीएए और एनआरसी को लेकर जेडीयू के अंदर दंगल चल रहा है। प्रशांत किशोर शनिवार को सीएम से मिले और मुलाकात के बाद निकले तो ये दावा किया कि सीएम उनके साथ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किनकी बातों पर यकीन किया जाए। कल तक आरसीपी सिंह दावा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जेडीयू के नेता हैं ही नहीं, और अब पीके दावा कर रहे हैं कि सीएम उनके साथ हैं। आखिर जेडीयू के अंदर खाने में ये हो क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सीएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्यों नहीं खुलकर पार्टी के स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं? अरेस्ट हम पहले कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई किस पर किया जाता है जो पार्टी के लिए काम करता है, जिसका आप नाम रहेगा, से कोई लोग अपने बना है एक्टिव मेंबर, एक एक्टिव मेंबर बनाया है कहीं? और वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा है, मैंने सारे लोगों के लिए कहा है, उस स्टांस पर कायम। सीएए को लेकर जेडीयू के अंदर जारी है खींचतान। पीके का दावा, नीतीश का मिला है समर्थन, तो फिर पीके के बयान का जेडीयू क्यों नहीं कर रही है समर्थन? शनिवार को प्रशांत किशोर इस्तीफा लेकर सीएम से मिलने पहुंचे, पौने घंटे तक दोनों के बीच गुफ्तगू हुई और जब पीके निकले तो दावा किया कि सीएम उनके साथ और वो अपने पिछले बयानों पर कायम है। मेरे पर कोई जिसको जो आरोप लगाना है लगाए, जहां तक माननीय नीतीश कुमार जी का सवाल है, उन्होंने इस बात को ही कहा है, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि कोई पार्टी में कुछ कहता है उसका कोई उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा है, मैंने सारे लोगों के लिए कहा है, उस स्टांस पर कायम। प्रशांत किशोर ने सीएम का समर्थन हासिल कर लिया, लेकिन कल तक आरसीपी सिंह तो उनके पार्टी में होने के दावे पर ही सवाल उठा रहे थे। उस बयान का क्या हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। यानी देखें तो पार्टी दो राहे पर है। सीएबी पे तो हमने समर्थन किया है, सीएबी किसी के खिलाफ नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल किसी जाति और धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है। प्रशांत किशोर जी का अपना व्यू हो सकता है, पार्टी का ये व्यू नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार जो है सही मानों में असम में जो है एनआरसी के मामले में फेल हो गई, पासा उल्टा पड़ गया, अब उसी की भरपाई के लिए ये कैब लाया है सिटीजन अमेंडमेंट भी। जेडीयू के अंदर की खींचतान से उनके साथी और विरोधी भी असमंजस में, बीजेपी इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला मान रही है, लेकिन कांग्रेस नीतीश से स्टैंड क्लियर करने की मांग कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही सेंसिबल लीडर है और उनका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, और प्रशांत किशोर जी से उनकी जो बात हुई वो एक अंदरूनी मामला है जेडीयू का, वो तय करेंगे। विचित्र स्थिति है, नीतीश कुमार जी कुछ कहते हैं और हाउस में, दोनों ही हाउस में, पार्लियामेंट में भी उनके पार्टी ने सपोर्ट किया इस बिल को, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं उसका तो कोई मतलब नहीं है। जहां जरूरत थी वहां उन लोगों ने उल्टा रवैया अख्तियार किया। जिस तरह के हालात जेडीयू के अंदर खाने में हैं, उससे पार्टी को ही नुकसान होना है। अगर नीतीश प्रशांत किशोर के साथ हैं, तो खुलकर सीएए और एनआरसी का विरोध कीजिए। अगर विरोध में हैं, तो प्रशांत किशोर को नोटिस या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। दोनों में कुछ नहीं हो रहा है तो फिर जनता तय कर लेगी कि जेडीयू किस स्टैंड पर है। दिल्ली से स्वप्निल के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आज पटना में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, बोलते बोलते विवादित बयान भी दे दिया। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश में फैसला लेने की क्षमता है ही नहीं। सीएम नीतीश पर बरसे कुशवाहा, सीएए समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, नीतीश की क्षमता पर कुशवाहा ने किया वार। मौका था सरदार पटेल की पुण्यतिथि का, लेकिन निशाने पर आए नीतीश कुमार। जी हां, पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में
आयोजित कार्यक्रम में आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएए के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हिंदुस्तान के संविधान के साथ भी खिलवाड़ करने का काम होगा और वह भी जो सरकारी तंत्र है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो संसद है उसकी ओर से यह काम। सीएए का विरोध किया, साथ ही इस बिल पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर भी नीतीश को घेर लिया। कुशवाहा ने नीतीश की तुलना एक कैदी से की। देखिए नतीजा हुआ कि अंत में 100 खाने पड़े और 100 प्याज भी खाना पड़ा। यही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने। अब भाई कहें तो कीजिए, इस तरफ रहना है कि उस तरफ रहना है, नहीं तो जूता भी और प्याज भी दोनों ना मिल जाए आपको कहीं, और यही होगा। प्रशांत किशोर जी अच्छी राय दे रहे हैं, आपकी पार्टी की जो घोषणा पत्र या संविधान है उसमें भी यह बात लिखी हुई है, उसको तो मान लीजिए। प्रशांत किशोर जी गलत कहां करें, बिल्कुल ठीक करें। इस कार्यक्रम में कुशवाहा ने राहुल गांधी के समर्थन में भी बयान दिया। राहुल के रेप पर दिए गए बयान के संदर्भ में भी उन्होंने बीजेपी को घेर लिया। दिल्ली पर जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है, अब इसमें भी कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? राहुल गांधी का बयान है या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बयान है? दरअसल कुशवाहा अपनी राजनीति को आगे लाने की चाहत रखते हैं और वो जानते हैं कि बिहार में आगे बढ़ने के लिए नीतीश के रास्ते को कमजोर करना होगा। कुशवाहा उसी रास्ते पर, लेकिन कामयाबी मिलती है या नहीं ये तो अगले साल पता चल जाएगा। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। सीएए को लेकर बिहार में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कटिहार और दरभंगा से विरोध की तस्वीरें सामने आई। कटिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन निकाला और सीएए का विरोध किया, तो वहीं दरभंगा में सीएए के विरोध में लोगों ने NH-57 को जाम लगा दिया और बीच हाईवे पर आगजनी की। तो कटिहार और दरभंगा की ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन जो विधेयक है, जब कानून बन चुका है, उसका किस तरीके से यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं इस पूरे एक्ट का। आप देख सकते हैं दो तस्वीरों के जरिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का किस तरीके से लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कटिहार और दरभंगा की ये दो तस्वीरें। NRC को लेकर भी बिहार में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। कटिहार और राजधानी पटना में NRC के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ, साथ ही आगजनी कर विरोध जताया गया। राजधानी पटना में करगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इधर कटिहार में भी प्रदर्शनकारियों का उत्पात नजर आया। भालुका रोड स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इसके बाद कटिहार रेल मंडल से मालदा जाने वाली रेल रूट की सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनें जहां की तहां फंसी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। पटना और कटिहार की ये दो तस्वीरें। प्रशासन कम है, दिक्कत है ये। अनिल मिया का गाड़ी चल गया, सबका चल गया, मेरा तो बच गया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बिहार के 10 छात्र संगठनों ने सीएए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बंद में AISF, आईसा, दिशा, एड्सो समेत 10 छात्र संगठन शामिल हैं। बिहार बंद से ठीक एक दिन पहले छात्र संगठनों की तरफ से मशाल जुलूस निकाला जाएगा, तो छात्रों के इस बंद को जनाधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव का भी समर्थन हासिल है। साथ ही इस बंद में महिला सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया है।
AISF, ISA, SFI, the Great Bhim Army, NSCY, JAP, इसके अलावा PDSF, दिशा, रालोसपा, AIDSO, बिहार के कुल 10 छात्र संगठनों के द्वारा यह बंदी बुलाई गई है। महिलाओं पर पुलिस जो है, जेंट्स पुलिस जो है, वो लाठियां बरसाती है और प्रशासन चुप रहती है। तो इसके खिलाफ में आज जो बर्बर घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ में आज हम आह्वान करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि सारे छात्रों को, सारे अखिल भारतीय स्तर पर एक होने की ज़रूरत है। उसी की शुरुआत हम लोग 19 तारीख को बंद बुलाकर कर रहे हैं। सभी जो हैं, जो संविधान और मानवता को मानते हैं, वैसे संगठन, युवा संगठन और सभी बुद्धिजीवी मिलकर के 19 तारीख को बिहार में क्रांति लाएंगे और बंदी करवाएंगे। और 18 को मशाल जुलूस भी है और हम लोग पूरा कैंपेनिंग करेंगे। सभी दल 19 के को बिहार बंद में एक साथ आकर के ऐसी विखंडित ताकतों के खिलाफ, जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज दें और वहीं से एक नए इतिहास की शुरुआत हो। शनिवार को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने सावरकर पर निशाना किया साधा। बीजेपी तिलमिला गई। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता राहुल के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने मर्यादा को ताक पर रखकर बयान दिया। इसके बाद तो बात कांग्रेस वर्सेज बीजेपी की हो गई। राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना क्या साधा, हंगामा हो गया। सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बीजेपी के तमाम नेता म्यान से तलवार निकालकर राहुल के खिलाफ मैदान में उतर गए। बयान देने की होड़ में मर्यादा तक लांग गए कि कभी विदेशी महिला के संतान हमारे देश के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। ये चाणक्य राहुल गांधी ने अध्यक्ष महोदय, यह बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रपक्ष नहीं हो सकती है और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी तलवार लेकर मैदान में क्या उतरी, कांग्रेस ने भी जुबानी हथियार के साथ लोहा लेने की ठान ली और इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आरजेडी ने भी मोर्चा संभाल लिया। सिटीजनशिप तो तय कर ही रही है सरकार, अब नाम भी यही लोग तय करें कि किसका टाइटल गांधी होगा, किसका टाइटल सावरकर होगा, किसका टाइटल गॉडसे होगा, ये भी वही लोग तय करेंगे। और इतने ऊंचे पद पे हैं लोग, उनको निगाह से देखता है, इनके बातों को निगाह से देखता है। ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए, जाति विशेष को भड़काए, धर्म विशेष को भड़काए। जो काम करना है लोगों, वो काम नहीं करते। और इस लड़ाई में इतिहास को भी तोड़ मरोड़ दिया गया। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी के दादा के साथ खान टाइटल जोड़ दिया, जबकि फिरोज गांधी फारसी थे ये दुनिया जानती है। और क्या लिखा सुशील मोदी ने ये भी जान लीजिए। जिस परिवार ने अपने पितामह फिरोज खान के वास्तविक उपनाम को मिटाकर गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया और जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए देश पर राज किया, उसके किसी शख्स को किसी की कृपा से मिले नाम पर इतराना नहीं चाहिए। राहुल खान गांधी को खुद पर यदि भरोसा है तो वे अपने वास्तविक नाम से चुनाव लड़कर देख लें। वैसे अगर उनका नाम राहुल सावरकर होता तो वे जम्मू कश्मीर में धारा 370 और नागरिकता संशोधन बिल पर इमरान की भाषा न बोलते। लेकिन डिप्टी सीएम की यह भाषा जेडीयू को भी रास नहीं आई। इसका मतलब यही है, सुशील मोदी ये समझ रहे हैं कि मतलब खान टाइटल लगा लेगा कोई आदमी या खान नाम का कोई आदमी खड़ा होगा तो चुनाव नहीं जीत सकता है, इससे इनकी मानसिकता परिलक्षित होती है। इस तरह गांधी परिवार के अगेंस्ट में शब्दों का जो है यूज किया गया है, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। अगर वीर सावरकर देशभक्त थे तो गांधी नेहरू परिवार का भी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो माफी मांगने से रहे, लेकिन सावरकर पर बयान देकर राहुल गांधी ने
बीजेपी को हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। दिल्ली से स्वप्निल के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। जलवायु परिवर्तन के साइड इफेक्ट से बचने, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए छात्रों का एक दल इन दिनों बिहार भ्रमण पर है। अपने अभियान के तहत छात्रों का यह समूह बगहा स्थित बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी पहुंचा और यहां तिरंगा झंडा लहराकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बिहार की सबसे ऊंची चोटी पश्चिम चंपारण के रामनगर की सोमेश्वर पहाड़ी पर तिरंगा झंडा फहराते ये वो युवा है जिन्हें अपने करियर के साथ साथ कंट्री की भी फिक्र है। इसका नाम तिरंगा दामोदर है, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी की टीम है। ये टीम में स्टूडेंट्स ही हैं जिनका काम है इंडिया के सभी स्टेट्स में जाके वहाँ पे जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसमें हम लोगों तक पहुँचते हैं, सोशल वर्कर के पास जाते हैं, स्कूल्स में जाके एक इवेंट करते हैं, बच्चों को जागरूक बनाते हैं और साथ ही साथ हर एक स्टेट में उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ जाके तिरंगा ध्वज फहराते हैं। तिरंगा ध्वज फहराने का संकेत ये होता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की जज्बा को जगाया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि ये परिवर्तन, ये जो आपका पर्यावरण है और ये जो देश है ये बिल्कुल अलग नहीं है। आपका पर्यावरण और आपका समाज सुरक्षित रहेगा तो ही देश सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक के ये छात्र 6 महीने से भारत भ्रमण पर निकले हैं और 10 राज्यों के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद अब बिहार के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे हैं। हर एक स्टेट में उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ जाके तिरंगा ध्वज फहराते हैं और हमने करीबन 10 स्टेट्स कवर करके हमारा 11वां स्टेट है जो बिहार का, हम यहाँ पे आए। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने के संकल्प के साथ जुटे मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों की टोली देश भर में गांव से लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर तिरंगा लहराने की अनूठी पहल से खासा उत्साहित है। उम्मीद है कि छात्रों की ये पहल पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। इमरान अजीज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बगहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे खबर झारखंड, आप बने रहिए हमारे साथ।